गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बिहार स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पर आपका मोस्ट वेलकम। पिछले वीडियो में हमने परमवित्र अंक किसे कहते हैं या पूरक अंक किसे कहते हैं, इनके बारे में अध्ययन किया। आज इसे आगे बढ़ते हैं कि हमारा आज का टॉपिक होगा कि सूत्र एक न्यून। सूत्र एक न्यून, एक न्यून का मतलब होता है किसी भी संख्या का एक कम करना। एक न्यून का मतलब होता है किसी भी संख्या का एक कम करना। अगर एक न्यून का चिन्ह यह होता है, देखो कि हमारे पास मान लो ये संख्या है दो, दो का अगर हमने एक न्यून करने का मतलब है कि दो के नीचे एक दशमलव सा लगा दिया, इसका ही नाम है एक न्यून। एक न्यून का मतलब है एक कम करना। दो में से एक कम किया तो क्या बचा, हमारे पास एक बचा। अगर हमको कोई ये कह दे कि पांच का एक न्यून करना है तो पांच के नीचे दशमलव लगाएंगे और इसका अर्थ होगा पांच में से एक कम करना यानी चार। अगर हमें चार का एक न्यून करना है तो इसका अर्थ हो गया तीन। अगर हमारे पास सात का एक न्यून करना है तो इसका मतलब हो गया छह। छह का एक न्यून करना है तो मतलब हो गया इसका पांच। पांच का एक न्यून करना है तो इसका मतलब है चार। और चार का एक न्यून करना है इसका मतलब है तीन। तीन का एक न्यून करना है इसका मतलब है दो। दो का एक न्यून करने का मतलब है एक। और एक न्यून का मतलब है जीरो। एक न्यून का मतलब होता है किसी संख्या में से एक कम करना। तो हमारा सूत्र है, देखिए, एक न्यून, एक न्यूनेन पूर्वेण। एक न्यूनेन पूर्वेण, पूर्वेण का मतलब पहली संख्या का, यानी पहली संख्या को एक कम करना। तथा परमवित्र अंक की सहायता से घटाइए। देखिए परमवित्र अंक की सहायता से, परमवित्र आपको पता ही है। अब देखो हमारे पास है कि बीएससी में से 54 घटाने, अपने को आश्रित तो लेना ही नहीं है। अपने का मतलब क्या है कि दो में से चार तो नहीं घटते, दो में से चार नहीं घटते। पहले क्या करते थे, हासिल लेते थे, हासिल ले लिए तो गए बारह, बारह में से चार गए तो आठ, ठीक है आठ जाएंगे यहाँ पे। पर यहाँ देखिए कि इस दो के नीचे क्या है, चार है, और चार का परमवित्र अंक क्या है, छह। चार का परमवित्र अंक क्या है, छह। यानी नीचे वाली संख्या का परमवित्र अंक है और ऊपर वाली संख्या को जोड़ करके एक साथ लिखते हैं। जैसे देखिए कि दो में से चार नहीं घटाया जा सकता, ये दो में चार कौन घटेंगे भाई, इस दो में से चार नहीं घटते तो क्या करेंगे, जो नीचे वाली संख्या है उसका परमवित्र अंक क्या है, कि चार का जो परमवित्र अंक क्या है छह है, इसके परमवित्र अंक में ऊपर वाली संख्या को जोड़ देंगे। यानी चार का परमवित्र अंक है छह, छह में दो जोड़ दिए कितने हो गए आठ। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, आठ लिखेंगे। और फिर आगे करना क्या है, एक कदम हुआ कि नीचे वाली संख्या का परमवित्र अंक और ऊपर वाली संख्या को जोड़ करके लिखते। एक बात तो ये हमेशा याद रखनी है कि नीचे वाली संख्या का परमवित्र अंक है और ऊपर वाली संख्या को जोड़ करके लिखते हैं। तो इसका परमवित्र अंक है छह, छह में दो जोड़े आठ आ गए। फिर दो नंबर पर क्या करना है, दो के पूर्वेण अंक, दो क्या है ये ना पूर्वेण अंक, यानी इसके पहले का अंक जो भी है, दो के पहले क्या है आठ है, तो इस आठ पर क्या करेंगे, एक न्यूनेन पूर्वेण का चिन्ह लगाएंगे, एक न्यून का चिन्ह लगाएंगे। यानी एक न्यून का मतलब हो गया आठ के नीचे ये दशमलव लगा दिया, इसका नाम है एक न्यून। क्या नाम है इसका, एक न्यून। एक न्यून का मतलब होता है कि आठ में से एक कम करना। तो देखिए दो के पूर्वेण अंक आठ पर हमने एक न्यून का चिन्ह लगा दिया, तो आठ के नीचे एक न्यून का चिन्ह लगा दिया, तो आठ एक न्यून का चिन्ह है, आठ एक न्यून बराबर सात। आठ एक न्यून का मतलब क्या है कि आठ में से एक कम करना है यानी सात। तो इसका मतलब क्या हो गया हमें, सात। अब सात में से पांच घटाया जा सकता है, देखो यहाँ एक न्यून का चिन्ह लगा दिया, अभी आठ नहीं ये सात है, सात में से तो पांच घटता है, तो सात में से पांच घटाएंगे क्या बचा हमारे पास, दो बचा। वो हम क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। तो ये क्या था हमारा, देखो एक न्यूनेन पूर्वेण अंक वह परमवित्र अंक की सहायता से हमने घटाव किया है, और ये घटाव साधारण घटाव था ना हमारा। जैसे बीएससी में से 54 घटाने थे तो पहले अपन क्या करते थे, इस दो में से चार घटाते तो दो क्या करता, हासिल लेके आता आठ से, तो आठ के पास अब कितना बचता, सात बचता। तो वही बात हो गई कि बारह में से चार गए
आठ बच्चे और सात में से पांच गए, दो बच्चे उत्तर वही इसमें आए हैं और उत्तर है ये इसमें। ये तो हमने हासिल की सहायता से बाकी किया है और ये बाकी क्या है एक न्यूनेन पूर्वेण विधि से और परम मित्र अंक की सहायता से हमने इसको घटाया है। तो बच्चों आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगले वीडियो के इंतजार तक।